वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने DYSP हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं, तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक FIR दर्ज कराई 117/92। उस FIR में 117/92 में ये आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इन सब चीज़ों पर एक FIR दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो BJP की सरकार थी, उन्होंने CIDCB को ये मामला सौंपा। CIDCB ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें आठ नौ आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टारजन, कैलाश हरीश पुतन, फारूक चिश्ती, शमसुर मेराडोना, पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज जमाना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को वो नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सजा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैयालाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमी को सजा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपेल रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा भुगतने पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376/120B का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376/120B और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सजा पर्याप्त है। माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सजा हुई है, उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सजा देंगे। इसमें इन सभी मुलजिमान को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जिनके नसीम टारजन, इकबाल भाटी, नफीस चिश्ती, सलीम और जमीर हुसैन और सोहेल गनी थे। और मैं इनमें से नफीस चिश्ती, सोहेल गनी, सलीम, इकबाल भाटी, नसीम टारजन के लिए अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप ब्लॉक की तरफ से। किन धाराओं में दोषी पाया गया और क्या धाराएं? नसीम टारजन को 376/120B, सहपटी धारा 37 में भी दोषी पाया गया है और बाकी सब लोगों को 376/120B सेपरेट और 376 IPC सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है। अगर ओवरऑल माने तो कितने आरोपी थे और इसमें टोटल 10-15 आरोपी थे। पहले 8-9 की ट्रायल हो चुकी, 6 की ट्रायल अब हो गई। एक अलमास मारा जिसमें फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ 299 में चार्जशीट पेज है, तो अब रेस्ट ऑफ द मैटर यही फैसला होना है। अभी हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टारजन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया, उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जाने चाहिए, वो सजा पटनी थी, तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस चिश्ती और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उनकी फ़ोटो पुलिस ने दिखाई, CID वालों ने फोटो दिखा के पहचान कराई कोर्ट में, जब वो गार्ड लाती थी तब पहचान कराई। बयानों में पीड़िताओं ने कहा भी है कि हमें पुलिस वालों ने कहा कि इनकी पहचान कर लो और इनकी फोटो कुमार को देख के पहचाननी है। ये सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें जाएंगे सब मेजर थी, अब किस परिस्थिति में रहा है वो फाइल का अवलोकन करने वाली। हमने अर्जी भी लगाई थी, हमने आज अर्जी लगाई थी, क्योंकि जो अभियुक्त है इकबाल अजमेरी, उसका लीवर एब्सेस हो गया, उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑन बेड है और कोर्ट के बाहर ही है। एम्बुलेंस में उसको गार्ड को हमने सुपुर्द किया एक बॉम्बे से बुलाकर, उसकी अर्जी लगाई थी कि भाई उसको 15 दिन की इंट्रिम दी जाए, तो 15 दिन की इंट्रिम तो कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी, लेकिन उसका JLN में भर्ती कराकर और JLN में इलाज कंटिन्यू कराए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है।